नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चाएं आम हैं कि चर्चाएं यहां पर चुनाव को लेकर लगातार हो रही हैं। निकाय चुनाव का दूसरा चरण और इसके अलावा दो जगह उपचुनाव, महत्वपूर्ण सीट रामपुर की स्वार सीट और सबसे महत्वपूर्ण दूसरी मिर्जापुर की छानवे सीट, दोनों जगह उपचुनाव हो रहे हैं। एक जगह उपचुनाव का कारण अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई। मुरादाबाद के एक मामले में सरकारी कार्य में बाधा डालने के चलते उनको सजा हुई और सजा के बाद व्यवस्था के अनुरूप, संविधान के अनुरूप और राजनीतिक अनुरूप उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। और सदस्यता रद्द हुई तो वहाँ पर उपचुनाव होना लाजमी है, और लाजमी इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बड़ी आनंद फानंद में तमाम तरह की प्रक्रियाएँ कराई जाती हैं। कहीं सदस्यता एक महीने बाद रद्द होती है तो कहीं दो दिन बाद रद्द कर दी जाती है। तमाम मामले सामने हैं। अब इसको विपक्ष लगातार बोलता भी रहता है कि अपने लिए एक महीने बाद और दूसरों के लिए दो दिन बाद। क्या राजनीति है, चर्चाएं चलती रहती हैं और जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो लाभ उठाना उसका अधिकार मान लें या व्यवस्था मान लें या नेचर मान लें, फिलहाल यही व्यवस्था लागू है। तो यहाँ पर अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद स्वार सीट चुनाव हो रहा है। 2017 में पहली बार जीत कर आए थे, उसके बाद उनकी जब सदस्यता रद्द हुई तो सुप्रीम कोर्ट में वो गए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आया और उसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों जगहों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी, स्वार सीट और दूसरी मिर्जापुर की छारमे सीट। और सबसे दिलचस्प यह है कि दोनों जगह NDA का उम्मीदवार लड़ रहा है। भाजपा में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी अपना दल के हैं, सफीक अहमद अंसारी वो भी अपना दल एस के प्रत्याशी हैं और रिंकी कॉल जो कि दिवंगत पूर्व विधायक जिसका अभी हाल में निधन हुआ था छानवे सीट से, उनकी धर्मपत्नी हैं। और अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो स्वार से अनुराधा चौहान को यह टिकट दिया गया है, यानी लंबे समय बाद, दो दशक के लगभग के बाद यहाँ पर टिकट दिया गया है गैर मुस्लिम चेहरे को। समाजवादी पार्टी द्वारा अनुराधा चौहान को यहाँ पर उतारा गया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और पुराने नाम है समाजवादी पार्टी में और मेहनत की है, संगठन में मेहनत की है और संघर्ष किया है समाजवादी पार्टी के लिए। तो भाई दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पर पिंकी कॉल को समाजवादी पार्टी ने रिंकी कॉल के खिलाफ उतारा है। नाम एक है, वर्ग एक है, पर यहाँ जनाधार एक को ही मिलेगा। जनाधार किसको मिलने वाला है ये आने वाले 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 13 मई को निकाय चुनाव के परिणाम भी आने हैं तो यहाँ पर उपचुनाव के परिणाम भी आएंगे और यहाँ पर जीत की खुशी होगी या हार का गम वो तो स्पष्ट हो जाएगा। खैर, यहाँ पर अगर हम बात करें निकाय चुनाव को लेकर, दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए फिलहाल बड़ी चुनौती है कि पश्चिम के अधिकांश जिलों में चुनाव होना है, 38 जिलों में चुनाव होना है, 9 मंडलों चुनाव है, 7 मेयर में चुनाव है। 7 मेयर में वो सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी को 2 जगह हार का सामना करना पड़ा था 2017 में, यानी एक मेरठ और दूसरी अलीगढ़, और जहां पर BSP ने अपनी विजय पताका फहराई थी और BSP इस बार पहले से ही 11 मुस्लिम वर्ग के चेहरों को मेयर पद के लिए उतारकर एक अलग तरह की समीकरण पेश कर चुकी है। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है कि चुनौती किस तरह होने वाली है, और चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो चुनाव है उपचुनाव, ये सामान्य उपचुनाव नहीं है। ये उपचुनाव वो चुनाव है जिसमें लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और प्रतिष्ठा इसलिए क्योंकि अगर यहां पर चुनाव में परिणाम मनमाफिक नहीं आए तो विचार मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि रामपुर में आजम युग की जिस तरह की जाने की बात कही जाती है कि आजम युग समाप्त हो चुका है, आजम खां की सीट भी जा चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोकसभा की सीट थी उसको भी घनश्याम नाथ सलोनी जीत चुके हैं। बातें अब लंबी लंबी कर सकते हैं पर जो परिणाम है वो सबके सामने है और वो स्पष्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं अब रणनीति और विचारधारा का यहाँ पर खेल है। जहाँ इस तरह बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों में टक्कर है और मुकाबला दिलचस्प है, पर यहाँ पर चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं रूबरू करा रू, निस्बंधु निश्चित नेता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से चंदेश कुमार सिंह अपनी बात रखेंगे, आर एम मेमूर RLD से अपनी बात रखेंगे और राजनीतिक विशेषज्ञ ग्रुप में यहाँ पर दिलीप यादव अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा निस्बंधु निश्चित से, निस्बंधु भाई चुनौती आपके लिए है
क्योंकि अगर हम 17 चुनाव की बात करें तो दो जगह आप हारे थे, मेरठ और अलीगढ़। वहीं दूसरी तरफ यहां पर अगर हम बात करें तो अयोध्या और कानपुर की सीट भी बहुत मामूली अंतर से जीते थे, सबको पता है। और जिस तरह से यहाँ पर जो 9 मंडलों में चुनाव होना है, उनमें कुछ मंडल तो ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल मंडल, मुस्लिम वर्ग की वहाँ भूमिका है। कैसे इस भूमिका को आप समझेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है, और है भी। 17 से लेके 22 तक अगर बात करें तो इस वोट बैंक का खासा प्रभाव रहा है। और जिस तरह के जिले हैं, अलीगढ़ की बात करें, मेरठ मंडल की बात करें, बरेली मंडल की बात करें, कानपुर मंडल की बात करें, तो बहुतायत में वहाँ पर मुस्लिम वर्ग है। कैसे जीतेंगे और किस तरह इस चुनाव को देखते हैं, क्योंकि उपचुनाव भी है, आज हो गया है, और जो परसेंट वोटिंग आई है वो भी बढ़िया है। हमें 13 मई को फैसला आएगा, पर इस उपचुनाव के मायने क्या हैं, बड़े महत्वपूर्ण। जसबंधु भाई, क्या कहना आपका? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई, इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने सम्मिलित किया। देखिए, आपने बात की तो ये आपने देखा होगा, चुनौती हमारे सामने कोई भी नहीं है जी। इसका कारण, तार्किक कारण यह है, जैसे जी, अभी आपने चर्चा की जी, कि यह चुनाव एक तरह से विजन है जी, और अगले साल जो 2024 में आम चुनाव प्रस्तावित है उसका सेमीफाइनल है जी। और मैं आपको बता दूं, 17 की 17 जो महापौर की सीटें हम जीतेंगे, अभी आपने चर्चा की जी, मुस्लिम तुष्टिकरण की बात आपने देखा होगा 2017 में भी। हमें तुष्टिकरण की बात ही नहीं की, मैं तो उनके मतदाताओं की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप तुष्टिकरण में कहाँ लेके चले गए? आपने जो कहा, मैं मुस्लिम मतदाता पे ही बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा इससे पहले भी, चाहे सपा बसपा हो, चाहे कांग्रेस का गठबंधन हो, कई बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अनैतिक और असंवैधानिक, सामने आप बताइए, बुआ बबुआ की जो पार्टियां एक दूसरे की ध्रुव विरोधी थी, उन्होंने भी सत्ता की सुलभता के लिए आपस में गठबंधन कर दिया। एक दो राजकुमारों की जोड़ी को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने भी देख लिया। 2014 में जब से आदरणीय यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर संभाली, और 2017 में जब से मुख्यमंत्री ने संभाली, देखिए हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं, हम एक भारत, एक राष्ट्र, एक ध्वज और सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना के साथ, और अंत्योदय के अंतिम चरण में अंतिम व्यक्ति के विकास की परिकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता अथक परिश्रम करता है और 24 घंटे जनता के हितों से जुड़ा रहता है। अच्छा, रही बात, आपने एक सवाल छेड़ा मुस्लिम मतदाता का, आपने देखा होगा 2017 का चुनाव हो या 2014 या 19 के आम चुनाव हो, दोनों आम चुनाव में भी और 2017 और 22 के चुनाव में बढ़ चढ़कर मुस्लिम मतदाताओं ने, और जहां तक इस बार निकाय चुनाव की देखा होगा, बहुत सारे मुस्लिम मतदाताओं को हमने टिकट दिया है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या देश तोड़ने की या जातिवाद वैमनस्यवाद या भाषावाद क्षेत्रवाद पे बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं देश के उत्थान के लिए। और आप देख लीजिए यही यही स्थिति, अरे देश के उत्थान जब विधानसभा चुनाव में कहां चला जाता भाई, एक भी टिकट नहीं देते आप। गौरव जी, मेरी बात पूरी हो जाए, एक मिनट देखिए। हाँ। इसी की परिणति रही कि 37 वर्षों बाद हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी आदित्यनाथ दोबारा चुनकर आए, यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के ही का सवाल है। अच्छा। जनता ने बार बार हमें, चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, सबने अपना वोट देकर हमें विजय श्री दिलाई। देशबंधु भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने, तमाम बातें यहाँ पर बताई, किस तरह 395 लोगों को टिकट दिए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 22 का चुनाव हुआ तब भी आपने कोई टिकट नहीं दिया, 17 में चुनाव हुआ कोई टिकट नहीं दिया, केंद्र में आपका कोई बड़ा नाम नहीं है, सबको संगठन से अलग कर दिया गया है, सबको अलग बताया गई, सब जिम्मेदारी दी गई है, केंद्र में कोई मंत्री नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्चा तो हम करते हैं, 395 लोगों को आपने टिकट भी दिया है, अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की जो नीति है उस पर आपने अपनी बात को यहाँ पर अहम तरीके से सबके सामने बताया है। पर यह बात, ये रुचि, ये नीति विधानसभा चुनाव 17 में और 22 में कहाँ चली गई थी, खैर वो आपका अपना सोचना है, पर यहाँ पर जिस तरह से आपने 395 सीटों पर टिकट दिए हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि आपके लिए होने वाली है, और कहीं ना कहीं एक जो विपक्ष है उसको आपने करारा जवाब दिया है। पर 17-22 के बारे में क्या कहेंगे देशबंधु भाई, जल्दी करिए। नहीं देखिए, सामाजिक समय विपक्ष हमेशा बार बार, देखिए 70 और 22 में
सामाजिक, देखिए टिकट बांटना शीर्ष नेतृत्व तक आता है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक समीकरण होते हैं। अच्छा। और आपने देखा होगा 17 और 22 में विपक्षियों ने जिस तरह का ताना बाना चुना, आपने देखा होगा, चाहे इस बार 22 के चुनाव में आपने देखा पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हो या इनका समीकरण हो, या इससे पहले दो बबुआ की सरकार या बुआ बबुआ, तो ये सब तमाम समीकरण देखने रहते हैं। आपने देखा यही समाजवादी पार्टी और बसपा, कभी कोई सोचता था, गौरव भाई आप भी एक प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार हैं, आप ये समझते थे एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे? तो इस प्रकार के बहुत सारे समीकरण देखने पड़ते हैं, जाति समीकरण देखने पड़ते हैं, और वहां किस प्रत्याशी की जीत होगी, कौन प्रत्याशी हमारा जो है सीट जीत के लाएगा, ये सब बहुत समीकरण शीर्ष नेतृत्व के पास जाता है। अच्छा। और उनको जो उचित लगा हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है, और उसमें हम जाति विगत नहीं देखते हैं, जात पात का बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, वो सीट जीत के आ जाते, विधानसभा नहीं जीत पाते, निकाय चुनाव जीत सकते, ठीक है, अच्छी सोच है। प्रवक्ता सभा रविन भाई, सारा मामला आपके सामने, सारी जानकारी आपके सामने, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, चर्चा विषय महत्वपूर्ण ये भी है कि निकाय चुनाव का दूसरा चरण कल होने वाला है, कल मतदान होगा, 13 मई को फैसला आएगा, और उपचुनाव आज हो गया है स्वार की स्वार सीट पर और छानबे सीट पर, दोनों जगह निर्णायक लड़ाई है सपा और भाजपा के बीच में, आपकी राय क्या है, क्योंकि दोनों जगह आपको भी कड़ी चुनौती मिल रही है, और निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में अब मतदान होना है, कैसे देखते हैं? पहले उपचुनाव से आते हैं, बोल लीजिए। उपचुनाव छानबे और स्वार में जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमको वॉकओवर दे दिया। अच्छा, वॉकओवर दे दिया, क्या बात, बहुत बढ़िया बात। उम्मीदवारी नहीं मिले, उम्मीदवारी नहीं मिले, लीजिए, मतलब स्वार जैसे सीट पर इनको भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं मिला। अच्छा, तो वॉकओवर पहले ही दे चुके हैं, मुझे लगता है कि जब फाइनल टैली आएगी तो लगभग लगभग 60% मतदान हो जाएगा वहां पे, अभी 52-53% दिखा रहे हैं। इन दोनों सीटों पे कुछ भी इनके पास कहने के लिए नहीं था, स्वार सीट पे इन्होंने जातियां किया था, वो जातियां वोट के रूप में परिवर्तित होके और अच्छा परिणाम लेके आएंगी। 96 सीट जिन वादों के साथ पिछली बार श्री राहुल कोल जी जीते थे, उनमें से एक भी वादे नहीं पूरे हुए, क्योंकि ये दलित बहुत इलाका है या एसटी भी है यहाँ काफी मात्रा में जी। तो यहाँ ये लोग गए ना, तो इनका कोई सांसद गया ना तो कोई विधायक गया। अच्छा, ये सीटें तो हम स्पष्ट रूप से निकाल रहे हैं। अब आपने कहा कि हमारी उपस्थिति कभी भी, ये सच बात है, मेयर चुनाव में नहीं रही जी, पिछले वाले में। अच्छा। उससे पहले हम मुरादाबाद जीत चुके हैं, प्रयागराज जीत चुके हैं जी, लेकिन पिछले चुनाव में हमारी उपस्थित नहीं थी मेयर के चुनाव में जी, लेकिन सर्वाधिक कम प्रदर्शन करने के बावजूद भी हमने इनको कड़ी टक्कर दी थी नगर पालिका में, नगर पंचायतों में जी। ये 70 थे तो हम 45 थे नगर पालिका में। अच्छा। पंचायत में ये 100 थे तो हम 83 थे। अच्छा। इसके बाद परिस्थितियां उलटेंगी, एक आंकड़ा मैं खाली आपको लखनऊ का दे दूंगा जी। लखनऊ में बामुश्किल 32% मतदान हो पाया जी, शहर में जी, जहां संघ भी है भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन अगर आप देहात के नगर पालिका नगर पंचायतों में देखेंगे जी, तो 75-80% तक मतदान हुआ है जी, महोना में, इटौंजा में जी। कारण इसका ये है जी, कि ये लोग अब की पूरे जितने पहले 10 हो चुके हैं, अब कल 7 होने वाले हैं जी, सारे 10 में मतदान प्रतिशत अगर एवरेज निकालेंगे तो आप 30-32% रहा है जी, ये इनकी नाकामियों को सबूत देता है। अच्छा। अभी हमारे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं, हम तो जीत के चले आए, जीत के चले आए, 2017 के बाद ही कभी जीते ही नहीं है, ठीक है हम सरकार नहीं बना पाए हैं। अच्छा। लेकिन 2017 के बाद कभी जीते ही नहीं है। पिछले चुनाव में इन्होंने कहा कि भारी बहुमत से जीत के आए, अगर 57 सीटें भारी बहुमत से जीत के आना होता तो ईश्वर करे अगली बार भी ऐसा ही हो। अच्छा। और अगर हमारी 10% सीटें बढ़ जाती हैं तो ईश्वर करे अगले बार भी ऐसा हो जी। रविंद्र भाई एक तो अगर इनको जी, मैं एक सवाल, आपने कहा कि बाकोवर दे दिया है, ये बाकोवर बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर हम बात करें तो बोला जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो किस विहाप से आप बाकोवर बोल रहे हैं, राहुल कौल की धर्मपत्नी रिंकी कौल मैदान में है, वो आप जानते हैं कि सहानुभूति का वोट मिलता है, तो बाकोवर कैसा जी?
85 नहीं मिले आपने क्योंकि अगर... जी अच्छा आप ये बताइए जी कि वहां से भाजपा का कौन जीता था? राहुल कौल, श्री राहुल कौल साहब जीते थे ना जी। ऐसा क्या हो गया कि उनकी श्रीमती जी को जी भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे सकती है जी? ऐसा क्या कारण हो गया जबकि उनके विधायक थे जी, और अगर सहानुभूति की लहर लेनी थी जी तो निश्चित रूप से जी श्रीमती रिंकी कौल को भारतीय जनता पार्टी का साइन देना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाना चाहिए था जी। तो अपने दिवंगत विधायक की भी जो सम्मान नहीं कर पाता है उसके लिए और क्या कहा जा सकता है? अच्छा ठीक है, त्वार जैसी सीट पे जहां पर कोई उपस्थित नहीं है अपना दल की जी। और वहां अपना दल के एक उम्मीदवार को लड़ा दिया जाता है तो ये वाकओवर ही है। वाकओवर है, वाकओवर है। ठीक है ठीक। अब नगर निकाय में, अब की नगर निकाय के चुनाव में जो आने वाला है जी, मतलब कल जो मतदान होना है उसमें मेरठ, अलीगढ़, बरेली और कानपुर हम जीतेंगे जी। जो पहले हुए हैं जी 10 सीटें उसमें से 5 जीतेंगे जी। आपकी निश्चित रूप से 16 में से लगभग 8 से 10 सीटें हम जरूर जीत के आएंगे। ठीक है। और बाकी में हमने टक्कर दिया ही था इनको। अच्छा टक्कर दिया और है। ये इनकी केवल असफलताओं का है कारण है, ये झूठ बोलते हैं मंच पर चढ़ के, इनके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। अच्छा। और अनाप शनाप भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अच्छा। जो ना एक संत को करना चाहिए ना एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए, क्योंकि इनके 2 मुख्यमंत्रियों को हम लोग देख चुके हैं। अच्छा अच्छा। उन्होंने ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं किया। अच्छा। तो हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं जी, दोनों उपचुनाव भी जीत रहे हैं और नगर निकाय चुनाव। अच्छा रविंद्र भाई एक सवाल था मेरा आपसे, गोला गोकर्णनाथ आपको याद होगा? जी याद है, याद है। अभी चुनाव हुआ था पिछले साल और वहां पर अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को चुनाव लड़ाया गया था उनके निधन के बाद। ठीक है, उनके परिवार के थे और वो जीत के आए थे, उन्होंने सपा के विनय तिवारी को हराया था। तो यहाँ पर अगर राहुल कौल की पत्नी रिंकी कौल को अपना दल एस से टिकट दिया गया है, एनडीए के गठबंधन टिकट दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि सहानुभूति का वोट उनको मिलेगा और सपा की पिंकी कौल को हराएंगी? सहानुभूति का वोट लेना था तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ाना चाहिए था। अच्छा, फिर ये अपमान है एक दिवंगत विधायक का। अच्छा, काम करने वाले विधायक है क्योंकि मैं उस क्षेत्र में काम कर चुका हूँ। अच्छा, काम करने वाले विधायक थे। अच्छा, नहीं देखे। अब आपने जिस सीट का, गोला की सीट का जिक्र किया जी, एक दिन पहले हमारे लगभग 150 लोगों को उठा के बंद कर दिया जाता है थाने में। अच्छा, और हार के बावजूद भी हम 40% से ज्यादा वोट बटोरने में सफल रहते हैं। तो ये तो अभी दोनों लोग ये स्वार में सुबह से लेके शाम तक आज इसी में लगे रहे। अच्छा, मतदान नहीं करने दिया गया। अच्छा। हम लोगों ने इसकी सूचना भी दिया है। अच्छा जानकारी है, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को के जी केंद्र निर्वाचन। तो रविंद्र भाई आपका कहना है कि इस बार आपका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी स्वार और 96 दोनों जीत रही है, बीजेपी ने वाकओवर दे दिया है। दूसरा आपके महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने ये भी कहा है कि इस बार निकाय चुनाव के दूसरे चरण में भी समाजवादी पार्टी यहां पर आगे बढ़ रही है। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस चंदेश जी। चंदेश भाई, भाई आप तो दोनों जगह नहीं लड़ रहे हैं, वाकओवर तो आपने भी दिया है, अब किसको दिया वाकओवर मुझे पता नहीं, और अगर देखा जाए निकाय चुनाव भी वाकओवर दिया है, मुस्कुराइए, पता आपको भी है क्योंकि कर्नाटक की लड़ाई को अहम मानते हुए यहां पर वाकओवर दिया गया है अन्य पार्टियों। खैर ठीक है, निकाय चुनाव भी महत्वपूर्ण है, कर्नाटक चुनाव भी महत्वपूर्ण है, जहां पर बेहतर हो। आलाकमान कोई अभी कोई बड़ा नेता आपके यहाँ नहीं आया। खैर, पर जिस चुनाव है चरण है, प्रत्याशी आपके भी उतरे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, पर आपको ही लगता है कि कोई ना कोई और उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ काम होना चाहिए था? मैं उपचुनाव की बात नहीं करूंगा, वहां आप नहीं लड़ रहे हैं, पर मैं निकाय चुनाव की बात जरूर करूंगा, कोई ना कोई नेता यहाँ पर आना चाहिए था। संजीवनी नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे तमाम नेता लगातार क्षेत्र में हैं और जनता के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं जी, और जनता का अपार स्नेह और प्यार भी मिल रहा है जी। हम प्रदेश की जनता के बीच जाकर ये बात कह रहे हैं जी कि महात्मा गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण का एक सपना देखा था जी, जिसको साकार करने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की। अच्छा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी दूरदृष्टि से इस देश में राजस्थान के नागौर जिले से 3-tier पंचायत की शुरुआत की। अच्छा। उसके बाद
कांग्रेस पार्टी की ही सरकार ने 93-94 संविधान संशोधन के द्वारा, सॉरी 73-74 संविधान संशोधन के द्वारा, 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य, निकायों के पास 18 विषय, और हम जनता के बीच लगातार जाकर कह रहे हैं कि 18 विषय के साथ 74वें संविधान संशोधन में कांग्रेस पार्टी ने निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया। आप बताइए कितना काम हो रहा है। अच्छा, पिछले 15-20-25-30 सालों में सपा बसपा और भाजपा की मिली जुली सरकारों ने निकायों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। अच्छा, और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि निकाय के जो मुद्दे है उन मुद्दों पर चौन चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, निकाय में मच्छर और मलेरिया की समस्या, सड़क की समस्या, नाली की समस्या, खड़ंजा की समस्या, पानी की समस्या, पानी की जमाव की समस्या, निकासी की समस्या जी, आवारा कुत्तों की समस्या, छोटा पशुओं की समस्या जी, और इन तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए जो ठोस कदम उठने चाहिए वो नहीं। हर साल उत्तर प्रदेश में हजारों लोग मच्छर मलेरिया से मरते हैं, बिल्कुल, लेकिन मलेरिया के रोकथाम के लिए जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे। चन्नेश भाई बहुत अच्छी बात, तो कहीं ना कहीं जो लोग डबल इंजन की सरकार अपने आप को मानते हैं उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। श्रीमान जी कहीं नहीं जाने की जरूरत है, गोरखपुर में आप चले जाइए और एक भी मोहल्ले में यदि सड़क, बहुत बढ़िया बात कही चन्नेश भाई, मेरा बहुत अच्छी बात कही आपने, का तमाम चीजें बताई, निकायों की समस्या बताई, पर मेरा सवाल आपसे केवल एक है, जब आपको इतना दर्द है, आप इतनी कमियां बता रहे हैं, तो एक अपने आला कमान से बोल सकते थे एक रैली यहाँ भी कर देते, जनसमूह जनसभा एक यहाँ भी कर देते, कर्नाटक में बड़े बड़े नाम जा रहे हैं, बजरंग बली आपको लगता है कि लड़की उलझ सकती है नारे के साथ, प्रियंका गांधी यहाँ भी आ सकती थी जी, ये आपने पहले से मान लिया कि आप जितने नहीं जा रहे हैं जी। और आज रानी ब्रिजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में हम लगातार जनता के बीच हैं और लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात हम, अरे पहले भी अजय कुमार लल्लू थे भाई, पहले भी अजय कुमार लल्लू थे आपके, तब भी प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर आई थी, लड़की लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, रैलियां की थी, उत्साह फूका था, 40% महिलाओं को टिकट दिया था, अरे निकाय चुनाव में भी कुछ मेहनत करने आ जाती, क्या दिक्कत थी भाई, या निकाय चुनाव में मान लिया कि हार रहे हैं हम। निकाय चुनाव कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं होता। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं आप चंदेश भाई, मैनपुर चुनाव है, ये गली की सरकार है, मैं बता रहा हूँ, ये भाई वोटर है जो आपके चुनाव में वोट करेंगे। सुनिए तो, सुनाइए, स्थानीय चुनाव है और इसके स्थानीय मुद्दे होते हैं जी, और स्थानीय मुद्दे, ये तो बड़ा बयान हो गया कांग्रेस प्रवक्ता का, कांग्रेस की साधारण चुनाव है, चुनाव कांग्रेस राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, स्थानीय चुनाव है। अरे स्थानीय चुनाव 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 होता भाई, मतदाता तो भाई है संदेश भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास काम नहीं है, वो सरकार का काम छोड़कर चुनाव में व्यस्त रहते रहे। अच्छा, स्थानीय नेताओं के बल पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, और हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिजलाल खाबरी जी लगातार जनता के बीच जाकर जनहित के मुद्दे पर लोगों का ध्यान कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर। अच्छा, मुझे तो ये लगा सर उत्तर प्रदेश में आपकी संभावना खत्म हो गई है, इसलिए कर्नाटक और वहाँ चले गए हैं, क्योंकि यात्रा अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो कन्याकुमारी से कश्मीर में लाल चौक पर खत्म हुई थी, 3570 किलोमीटर की यात्रा थी, उत्तर प्रदेश के महज 2 ही जिले कवर किए थे, के बागपत और शामली, उत्तर प्रदेश को भी टारगेट नहीं किया था, उसको भी टारगेट करना चाहिए था। खैर, अरे मैमूर RLD से, अरे भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। अरे भाई चुनाव महत्वपूर्ण है और आप सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी के, निकाय चुनाव भी होने वाला है, कल वोटिंग होगी और सुवार और छांबे पे चुनाव हो गया है, उपचुनाव हो गया है, 13 मई को परिणाम आएंगे, चुनौती कैसे देखते हैं, और जिस तरह से यहाँ निर्णायक लड़ाई सपा भाजपा के बीच मानी जा रही है, क्या लगता है, क्या आपकी राय है? देखिए गौरव भाई, हमारी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की ये हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी, और 4 तारीख को मैक्सिमम पूर्वांचल को के तरफ का चुनाव हो चुका है जी, हमारे तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ कल 11 तारीख को है जी, और यही दोनों गठबंधन ऐसा है जो मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, आज विपक्ष के सामने विपक्ष का रोल आज भारत समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल निभा रहा है। अच्छा, और विपक्ष के सामने मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहा था कि विपक्ष के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो विपक्ष साथ आकर के वो लड़ सके। और रहा सवाल ये, मैंने पहले भी कहा था निकाय चुनाव के लिए कि कोई ऐसा इन्होंने
छह साल में काम नहीं किया निकाय स्तर के लिए, तो जिस पर ये मुद्दा बना करके उस पर लड़ सके, विकास के लिए लड़ सके, किसी भी मुद्दे पर लड़ सके, ये नहीं लड़ पा रहे हैं। अब रहा सवाल ये उपचुनाव की जो बात आ रही है, आप देखिए ये इन्होंने वॉकओवर नहीं किया है। हमारा अपना जो मानना है जी, अगर ये इस उपचुनाव में अपना दल को ये सीट न दिए होते तो आने वाले 2024 में एक ही इनके पास गठबंधन में अपना दल बचा हुआ है, ये भी साथ छोड़ करके इनके साथ चला गया होता। अच्छा, तो इसलिए इन्होंने बहुत ही दिल मार कर अपना दल वालों को ये सीट दिया। अच्छा, दिल मार लिया अपना, बिल्कुल। रमन भाई, आपके सहयोगी रमन भाई बोल रहे हैं कि वॉकओवर दे दिया है, आप पूरा दिल मार लिया है, किसकी सुन ले भाई? मेरी बात तो आप पूरी होने दीजिए। हाँ, ये बिल्कुल इन्होंने बस अपना दल को बनाए रखने के लिए अपना दल को इन्होंने दे दिया कि हमारे साथ 2024 में गठबंधन में रहे, हमसे ये हाथ न जाएंगे। अच्छा, समझे? अब ये स्थिति इनकी आ गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट न छोड़ती तो अपना दल भी इनसे बाय बाय कर लेती। अच्छा, और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हैं, वो ये कह रहे थे कि भाई मुस्लिमों को वोट दिया है और हम समीकरण लेकर के चलते हैं। तो ये 2014 से 2022 तक का हमने भी समीकरण देखा है भारतीय जनता पार्टी का कि कितना ये अल्पसंख्यकों को लेकर के चलते हैं। अच्छा, पूरी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इन्होंने हथियाई है। अच्छा, अब ये जो मुस्लिम समीकरण की बात करते हैं, इन्होंने मुस्लिम समीकरण पर इन्होंने मेघालय का चुनाव देखा जहाँ पर 58-60 सीटों पर लड़ रही है, दो सीटें जीत करके आए, 58 पर इनकी जमानत जब्त हो गई भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, और हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव इन्होंने देखा, वहाँ भी सरकार नहीं बना पाए, और कर्नाटक भी ये देख रहे हैं, आज वोटिंग कर्नाटक में हुई है, 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो अब इनको अल्पसंख्यक याद आने लगे हैं। अच्छा, कि हम सबका साथ सबका विकास की तो बात करते हैं, मगर एक बहुत बड़े समुदाय को हम छोड़ करके इस देश की राजनीति में हम आते हैं। आज आप बताइए इनके कैबिनेट में कौन अल्पसंख्यक का मंत्री है? क्या उसको राज्यसभा बना करके दोबारा नहीं दे सकते थे? अल्पसंख्यकों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं करा सकती थी जी? उत्तर प्रदेश में इनको सिर्फ एक मंत्री मिला, वो भी राज्य मंत्री जी? एक मुसलमान को इन्होंने, एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कैबिनेट इन्होंने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इनका दिल, मैं आपसे बताऊं, इनके मन में, चलिए बस इसी तरीके से ये चलिए। अब इस वर्ग का कौन कितना, मैं भी जानता हूँ। 27 महीने आजम खान जेल में निरुद्ध रहते हैं, और मिलने कौन जाता है मुझे पता है, कौन किस वर्ग की बात करता है, कौन किस वर्ग की लड़ता है, जानकारी है। नहीं, गौरव भाई सुनिए, मुझसे डिबेट कर लीजिए, आप मुझसे सवाल जवाब करिए, कौन नहीं गया मिलने, किस पर आप उंगली उठा रहे हैं? अरे मैं तो बात कर रहा हूँ भाई, मैं तो मुस्लिम वर्ग के, मैं मुस्लिम वर्ग के इतिहासियों की बात कर रहा हूँ, आप क्यों नाराज हो गए? क्या नहीं, क्या अखिलेश जी उनसे मिलने नहीं गए? आप पूछे कहाँ मिलने गए, आप बता दीजिए कब मिलने गए, डेट बता दीजिए, मैं सुन लूंगा। अखिलेश जी मेदांता, मैं जहाँ पर वो निरुद्ध थे, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, नहीं, सीतापुर जेल में भी मिलने गए, और शिवपाल जी भी बराबर जाते रहे। शिवपाल जी गए, मैं उसकी स्वीकार कर रहा हूँ। दिल्ली में जब ये गए वहाँ भी मिलने गए, और इनके घर पर भी गए मिलने। ये सीतापुर मिलने नहीं गए। अरे भाई, आपको पता होगा, मैं आपसे बता दूं, रमन भाई से पूछने का बहुत आ जाएंगे आपको। ये बात कर रहे हैं जी, बातचीत की अगर आप बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ये सोचा इस आजम के परिवार को, ये अब्दुल्ला को हरा पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसलिए इन्होंने इन प्रकरणों से उसकी सदस्यता को समाप्त करके ये वहाँ से अपना वर्चस्व कायम करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपको आपको दर्द हुआ मुझे पता है, आपको दर्द हुआ मेरे पता है, मैंने बात जनरली बात नहीं, कही दर्द नहीं हुआ, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। तो मैंने सच्चाई बोली है, 27 महीने मिलने नहीं गए, ठीक है, मीनांता मिलने गए, दिल्ली मिलने गए, मुझे पता है। अरे भाई देखिए, ये यहाँ तक ये बात भी आपको पता होगी कि आजम खां के मीडिया प्रभारी ने पत्र भी जारी किया था, उसने कहा था कि यहाँ पर कौन कितना है वह दिख चुका है। आजम खां के मीडिया प्रभारी ने जो उन्होंने पत्र जारी किया था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हाँ, वो भी मैंने सुना था जी। कहीं ना कहीं, सुन लीजिए मेरी बात, ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके काम करना चाह रहे थे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है, वो भी मेरे ऊपर, चलिए बीजेपी, आप बीजेपी बोल देते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और लेटर जारी करिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, दिलीप यादव, दिलीप भाई जी, क्या राय है आपकी, क्या लगता है चुनौती किसके लिए कितनी बड़ी होने वाली है, निर्णायक लड़ाई किसके बीच में, वो आपको पता है, उसमें कोई संशय नहीं है जी जी, पर क्या लगता है कितनी चुनौती यहाँ सपा भाजपा को मिलने वाली है उपचुनाव में, क्योंकि उपचुनाव हो चुका है, परिणाम 13 को आएगा और निकाय चुनाव का दूसरे चरण का मतदान कल होना है जी। तो पहले हम उपचुनाव पे आ जाएं, बोल लीजिए। उपचुनाव में जो है स्वार और जो है 96 सीट जो है, दोनों जो है महत्वपूर्ण सीट है, उपचुनाव हो रहे हैं जी। अनुराधा चौहान जो है समाजवादी पार्टी की जो है प्रत्याशी है,
और इस बार जो है एक समाजवादी पार्टी ने जो है ट्रेंड चेंज किया है हाँ। और वो जो है मुस्लिम की जगह जो है एक 21 साल बाद हिंदू को लाई, गैर मुस्लिम लाई, गैर मुस्लिम को लेके जो है एक जनरल व्यक्ति को ले आए। अच्छा। अनुराधा चौहान जनरल कैटेगरी से हैं जी। तो और वहीं पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल अपना दल यस ने जो है शकील अहमद अंसारी साहब को ले आए। तो बीजेपी और अपना दल जो है मुस्लिम वोटों पे जो है फोकस करके जो है ये सीट को जो है वो किया है। वहीं पे जो है सपा ने जो है हिंदुओं को जो है वो करने कोशिश किया है। अब पिंकी कॉल जो है आपके जो है वो 96 सीट जो है आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जी, वहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी दे राहुल कॉल जो है जो बीजेपी से थे उनकी पत्नी को जो है अपना दल यस जो है से टिकट इसलिए मिला कि कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी से अपना दल यस का जो है दुराव या जो है राजनीतिक समीकरण, क्योंकि जो है कुर्मी भी जो है वहां पे अच्छी संख्या में है 96 सीट पे जी। तो शायद जो है भारतीय जनता पार्टी को ये डर रहा होगा कि जो है ये सीट हम हार जाएंगे। अच्छा। तो अपना दल यस के जो है प्रत्याशी को जो है उनके रिंकी कॉल के नाम पे जो है उन्होंने दे दिया जी। रही बात की जो है बसपा और कांग्रेस ने जो है 96 सीट पे बसपा ने जो है स्वार और 96 पे नहीं अपने प्रत्याशी उतारे जी। 96 पे जो है इन्होंने कांग्रेस ने जो है अपना एक प्रत्याशी उतारा है जी। तो देखा जाए तो जो है मेन फाइट जो है समाजवादी पार्टी और जो है अपना दल यस के बीच में है जी। और एक इस पे कमेंट मेरा यही रहेगा कि ये उपचुनाव है, उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी कोई भी सत्ताधारी पार्टी होती है वही जीतती है। ये जो है आप चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में या किसी भी सरकार में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है अपने तंत्रों का उपयोग उपयोग बात कर रहे हैं भैया। सर सर अभी खतौली जीते हैं मदन भैया। सर 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 कैसी बात कर रहे हैं, कौन आंकड़ा दे रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ जी। देखिए होता क्या है कि जो है खाने हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। सत्ता का जो है जो पार्टी होती है वो सदुपयोग करती है। अच्छा। और ये चीजें जो है विपक्ष को जो है दुरुपयोग लगता है। अच्छा। कमोबेश यही चीजें यही समीकरण बना रहता है। तो इस पे जो है कोई ज्यादा वो उपचुनाव है कोई ज्यादा जो है 2024 से मतलब नहीं है। दूसरी बात चुनाव है भाई, नहीं महत्वपूर्ण है, अब्दुल्ला आदम की सीट वाला चुनाव है भाई। सर वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी ने जो है 21 साल बाद जो है यहाँ पर जीत के तमाम मायने हैं। लोग आजम को खत्म करने की बात बोल रहे हैं, वो खत्म करने की बात कर रहे हैं, खत्म कर चुके हैं। आप देखिए बाप बेटे दोनों को जो है सजा याफ्ता करके जो है खत्म कर चुके हैं, लेकिन जो उनका कद है, अच्छा आजम खान साहब का जो कद है समाजवादी पार्टी में वो कम नहीं हुआ है। अच्छा। सीट गई है अलग की बात है। अच्छा। अभी वो जुड़े हुए हैं। दूसरी बात एक चीज और मैं बता दूं कि निकाय चुनाव में जो है निकाय चुनाव में अलीगढ़ हुआ, आपका मेरठ हुआ, बरेली हुआ और कानपुर हो गया, ये सब जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और जो है बसपा ने जो है सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम मेयर के लिए मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है 11 लोगों जी जी 17 में से 11 लोगों को खड़ा किया है और वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में उनके साथ जो है जो दलित वोट बैंक है वो भी जो है शिफ्ट करेगा, तो जो है वो फाइट में है। बसपा जो है फाइट में है। वहीं पे जो है बीजेपी हमेशा जो है 24 घंटे जो है इलेक्शन के मूड में रहती है। अभी हमारे एक कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि जो है निकाय चुनाव को जो है छोटा, निकाय चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण का चुनाव है। सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है यहीं से स्टार्ट होता है, चाहे वो जो है पंचायत का जो है। सुन ले सुन ले सुन ले चंद्रेश जी बाद में बोलिएगा, बात तो सुन ले। नहीं 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 ये इंटरप्ट करने की बात है। आप इतनी बात कर रहे हैं, सारे अनुच्छेद बोला आपने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोला आपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सारी नीतियां बता दिए और आप स्थानीय चुनाव पे एक साधारण चुनते हैं, ये आपकी बुद्धि विचित्र चंद्रेश जी चंद्रेश जी सुन ले, आप पहले सुन ले, कोई बात नहीं बाद में पूछ लीजिएगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है महात्मा गांधी से लेके आज तक की जितनी भी जो है सरकारें रही हैं या जो प्रधानमंत्री रहे हैं, आपको याद दिला दूं कांग्रेस के जो है प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी जी थे,
उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए अथक प्रयास किया था, उसी वजह से आज शायद जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो है ये चल रहा है, निकाय भी उसी का एक अंग है जी। तो इसलिए जो है आप ये कहें कि ये जो है चीजें मतलब कि हम ध्यान नहीं देते हैं, ये आपकी जो है रणनीति का जो है बहुत बड़ा चूक है, लीजिए चूक है, चूक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को भी प्रदर्शन करना चाहिए, समाजवादी पार्टी या जो है समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी जुड़ा हुआ या बसपा है, अगर उनके जो है विधायक उतने नहीं है, वो चाहे सरकार में हो या जो है मतलब केंद्र में कहीं भी नहीं है, लेकिन लड़ रहे हैं, आप तो जो है भाग गए, आपको जो है प्रदर्शन करना चाहिए। रही बात एक चीज है मुस्लिम नेताओं की, बात मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है राष्ट्रीय नेतृत्व, जैसे अभी हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे थे कि जो है मुस्लिमों को जो है तवज्जो दे, हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी क्या जो है केंद्र में, अभी जो है हमारे साथी जो है एक मसूद साहब ने कहा कि जो है एक दानी संसारी भी ले, वो भी राज्य स्तर के, क्या केंद्र में, केंद्र में ऐसा है, रुक जाए आप, है तो प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्री का ये विशेषाधिकार होता है, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जाते हैं उसमें सभी जाति समीकरणों को ध्यान करके मंत्रिमंडल, और ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है, और आप राजनीतिक विश्लेषण ये कैसी बात करते हैं, मैं वही एकदम मुस्लिम है, और आप सात ऐसे मोर्चे ऐसे बड़े बड़े नेता है जिसने बार बार किया जो है मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व, हिंदू मुस्लिम समाजवादी पार्टी का भी विश्लेषण किया है, मैंने जो है कांग्रेस का भी मैंने किया है, आप अभी बात आप जातिगत आ गए, आप मेरे नाम के टाइटल को देख के जो है समाजवादी से जोड़ दिए, क्या सारे यादव इसका मतलब कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कोई भी व्यक्ति अगर टाइटल में यादव लगा हो तो वो जो है समाजवादी पार्टी से, इसका मतलब इनके यहाँ जितने भी जो है यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं सलाह चुनाव है, उनके इनकी समझ में हंसी आती है। अच्छा, इनको आप बताइए, इनका ही देश का एक प्रधानमंत्री था स्वर्गीय दिवंगत राजीव गांधी, वो कहते थे एक पैसा आता है और वो लूट होते होते जनता तक 5 पैसे पहुंचते, 95 पैसे सपा बसपा की सरकारों ने खा ली, 70 साल हो गए, आज अमृतकाल आप मना रहे हैं। मैं लखनऊ की बात करता हूं, पिछले 5 कार्यकाल हुए, लखनऊ में ही मेयर का प्रत्याशी जीता, और जाके चहुमुखी लखनऊ को देख लीजिए, जनता जनार्दन बार बार 25 साल कम नहीं होते, यहाँ के यशस्वी रक्षा मंत्री हो चाहे विकास हो कोई मंडल देख लियो, और पिछले आप जो कहते हैं इसीलिए कांग्रेस पार्टी के युवा राजकुमार उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, लड़की लड़ सकती हूँ कहाँ चली गई वो लड़की, अरे युवा राजकुमारी है कर्नाटक में भी पढ़ना मांग, लेकिन मैं अपने सपा भाजपा प्रवक्ता और ये रालोद के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, 13 तारीख को ईवीएम खराब हो गई, यह जवाब नहीं आएगा, मैं 13 तारीख को जी आपके प्रतिष्ठित चैनल पर फिर बैठूंगा, लेकिन ईवीएम पर ठीकरा नहीं होना चाहिए और न सरकारी तंत्र पे, जनता जनार्दन बार बार 14 से लेके जितने असफल प्रयोग है, चाहे समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन हो, चाहे समाजवादी रालोद का हो, चाहे सपा बसपा का हो, जनता जनार्दन ने इसको बार बार अपनी मुहर लगा के खारिज कर दिया है, और जनता जनार्दन ने भाजपा की रीति नीति और जनता के विकास के साथ, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा, और रही बात स्वार और छानबे छीन की उपचुनाव की बात कर रहे हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं तंत्र का इस्तेमाल, अरे मैं इनसे कहता हूँ क्या ये ठीक नहीं फोड़ेंगे, अपना दल भारतीय जनता पार्टी का साथी है, आप गठबंधन करते हैं लेकिन हम अपने साथी को छोड़ते नहीं है, अरे भाई मान लेता हूँ, अरे भाई अपना लेता हूँ, अरे भाई दो मिनट के साथ है, वॉकओवर की बात नहीं है, आप जीत जाते हैं तो सब अच्छा है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, सत्ता का लोलुप हो गया, सत्ता का दुरुपयोग हो गया, ये प्रकार वाली सब की बातें छोड़ दीजिए,
चलिए हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया जसवंत भाई, जसवंत भाई, जसवंत भाई, हो गया जी। अरे गौरव भाई मेरा एक सवाल है, पूछना है। हाँ पूछिए धन भाई, आपको लेता हूँ जी। भाजपा प्रवक्ता जी जो है इनसे कह दीजिए इतना गुरूर और घमंड में न जिए। अभी तेरा अभी आज ही चुनाव हुआ है कर्नाटक का और इनके चार महीने वहाँ की कमान संभाल लगती थी। आने दीजिए, 13 तारीख में बैठूंगा, मैं पूछूंगा। देख लीजिए 13 को बैठिएगा भाई, सब बैठेंगे, सब बैठेंगे, सब बैठेंगे, सबका स्वागत रहेगा। क्या ईवीएम खराब है, जनता ने गलत निर्णय दिया? चले आप एक चीज बता दे, 23 करोड़ जनता जनार्दन उत्तर प्रदेश की है, उसका बार बार अपमान कहते हैं जो वोट का आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे भाई हो गया, चंदेश भाई, चंदेश सिंह कुछ बोल रहे थे। चंदेश सिंह, ये लोग शांत हो जाए तो हम अपनी बात बोलिए 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 आप बोलिए और अपनी बात को रखें। बोलिए, अभी ये कौन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे जी, कह दीजिए गर्म पानी पिए, गर्म पानी इतना चिल्लाना ठीक नहीं है। अच्छा लीजिए, सेहत खराब हो जाएगा, गला बैठ जाएगा। अच्छा, कल से एक सप्ताह डिबेट पर नहीं बैठ पाएंगे, अभी 13 तारीख को डिबेट करनी है। पानी पीने की आपकी जरूरत है, आप ठंडा पानी पीजिए, आराम से, साधारण चुनाव है, घर पे चद्दर तान के सोइए, इसमें कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का खून गर्म रहता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता उसका। आप चुप हो जाए तो लोग अपनी बात कह ले। बोले 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 संदीप भाई बोलिए। मैंने ये बात बड़ी प्रमुखता से कहा कि स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़े जाए, बिल्कुल, और हमारे स्थानीय नेता जी इस चुनाव को मजबूती से लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में पूरी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी, जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी मजबूती से इस चुनाव को लड़ रही है जी। हम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से राजीव गांधी जी ने इस देश को 3-tier पंचायत का मॉडल दिया। अच्छा, किस प्रकार से राजीव गांधी जी ने पंचायतों को सशक्त और मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाए जी। और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, और आज निकायों में 18 विषय हैं और एक भी विषय पर ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, निकाय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए। अच्छा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लखनऊ महानगर की बात, स्मार्ट सिटी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप तय करें कि लखनऊ जिले के किस गांव में आप चलेंगे मेरे साथ। लखनऊ के 5-10 किलोमीटर के अंदर के गांव का आप केवल भ्रमण कर लीजिए, और यदि किसी भी गांव में सड़क, नाली, खड़ंजा, पुलिया, मच्छर, मलेरिया, आवारा कुत्ते, आवारा पशु से निजात पाने के लिए कोई उन्होंने ठोस कदम उठाए हो, ठोस कार्य किए हो, मैं डिबेट पर नहीं बैठता। चाहे शांति व्यवस्था चाहे विकास के मुद्दा दिखाई देता है खारिज कर देते हैं और आप भ्रष्टाचार के महोदय लेके सड़क से ढोल राजनीति करनी है और आप सुनना नहीं सीखे है तो महोदय आप लंबी राजनीति नहीं कर पाएंगे। आपने अपनी बात कही, चिल्ला चिल्ला कर कही, जो बोलिए, यदि आप चुनाव जीतना ही विकास का पर्याय मानते हैं तो कृपया करके पूर्व सरकारों को मत कोसिए, क्योंकि पूर्व सरकारों को ही इसी जनता ने जिताया था। अच्छा, और इतना घमंड करना ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक, क्योंकि यही जनता आपको आगे हराने का भी कार्य करेगी। रमन प्रताप सिंह, आप दिल्ली हारे, रमन भाई आप महाराष्ट्र हारे कि नहीं हारे जी, आप छत्तीसगढ़ झारखंड हारे कि नहीं हारे, आपने हिमाचल प्रदेश हारा कि नहीं हारा जी, आपने आपने मध्य प्रदेश हारा कि नहीं हारा, आप तमिलनाडु भी हारेंगे, आप कर्नाटक भी हारेंगे, यही आप मणिपुर भी हारेंगे, हारे, 17 हारे, 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 हारे,
सुनिए सारे नहीं हारे, चले हो गया हो गया, सारे की नहीं हारे, चले ठीक है, चले ठीक है, ठीक है, चले चले ठीक हो गया, अरे यहाँ पर मुझे पता है कौन क्या हार रहा है। मुझे अभी आप नए नए राजनीति में हैं, नई नई दुल्हन की तरह आप बलखला ज्यादा रहे हैं, उत्तेजना ज्यादा है, नई दुल्हन कोई नहीं है, पर सब यहाँ पारंगत है। 2024 में ये भूत उतर जाएगा, ठीक है, ठीक है, 2024 में भूत उतर जाएगा। रविंद्र भाई मैं मेरे को सुन लीजिए, दो मिनट, मैंने मेहमान मैं भी है, समाप्त हो गई, मुंगेरी लाल के आप रविंद्र भाई बोलिए, रविंद्र जी अपेक्षा करूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वैसा व्यवहार हमारे साथ नहीं करेंगे जैसा अन्य के साथ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये दो चीजों पे लगातार फोकस रहे, जन कल्याण की कार्य नीति बताने में अपनी सरकार का एकदम विफल अक्षम रहे जी। दूसरा, इन्होंने बार बार गठबंधन पे तंज किया जी। तीसरी, वो अहंकार दिखाया कि हम दूसरी बार जीत गए जी, चाहे केंद्र सरकार में चाहे राज्य सरकार में जी। मैं इसको ऐसे खोलता हूँ, ये पहली बार हमारे आगे घुटने टेक के 1967 में हमारे गठबंधन में शामिल हुए थे जब हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया था। अच्छा, यही चीज 70 में हुई थी जी, यही चीज 1977 में हुई थी जी। इन्होंने अपने पार्टी की अस्मिता ही मिटा दिया था हमारे गठबंधन कम में शामिल होने के लिए, जो गठबंधन पे तंज कर रहे हैं जी। फिर इतना सत्ता लोभी है कि 1979 में जिस पार्टी को, मतलब विश्वनाथ, आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को जहां लेफ्ट समर्थन दे रही थी, वहां ये भी समर्थन दे रहे थे सत्ता में आने के लिए जी। फिर ये क्या, आप उसके बाद से जो भी चुनाव लड़ा इन्होंने ध्रुवीकरण पे, वो खुद एनडीए के नाम पे लड़ा, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे नहीं लड़ा। अच्छा, और आज ये गठबंधन पे तंज कर रहे हैं, पहला विषय। दूसरा विषय, इनको केंद्र में सरकार बनाने में, अपनी सरकार बनाने में 74 साल लगे, दूसरी बार जीत गए, इतना घमंड है, कांग्रेस ने 45 साल शासन किया है, लीजिए इतना घमंड के साथ, मुझे लगता है कि पेश इतना घमंड के साथ पेश नहीं आना आज चाहिए। आज की बात करिए, कांग्रेस की स्थिति क्या है भाई, अरे आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है कि आपको नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल मत बोलिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ है, या देश में अस्तित्व कहाँ है, 45 वर्षों के शासन काल में देश को किस गति पे पहुंचा दिया, नहीं बोलते आपने, जहाँ से 45 वर्षों के शासन काल में देश को किस गति पे पहुंचा दिया, जनता जनार्दन जो है आपसे त्रस्त हो गई, कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया उसी को तो आज भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। ऐसा नहीं, आप हमने रेल बनाया, हमने जेल बनाया, युवा राजकुमार माननीय राहुल गांधी क्या आज अमेठी और रायबरेली की स्थिति नहीं छूटी है? आप वहां कहते थे कि हमने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया, आप अभी मुझे सारे गांव घुमाते थे, माननीय कांग्रेस प्रवक्ता चलिए जरा मुझे, आप देखिए क्यों राहुल गांधी छोड़ के चले गए भाई, क्यों चुनाव हार गए, इतना विकास किया था कि अमेठी को न्यूयॉर्क बनाने का वादा किया था, और अमेठी और रायबरेली विरासत में उसकी दशा दशा देख रहे हैं, आदमी रो देगा। समय हो गया, समय हो गया, ठीक है, ठीक है, जी जल्दी पूछ, जल्दी पूछ, आखिरी एक मिनट बाकी है, आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आखिरी भी हार गया कोई भी जीत गया जी, ये भारतीय जनता पार्टी ये बता दे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की जमानत क्यों जब्त हो गई थी? अगर ये किसी के हारने की बात करते हैं, उसको अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बताते हैं, तो इनको ये भी बताना चाहिए, दो बड़े लीडर अपने समय के की बात मत करिए, उन्होंने कहा था एक दिन आएगा, एक दिन आएगा कि ये लोग कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक एक वोट के लिए तरसेगी, कांग्रेस की क्या दुर्दशा हो रही है, का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा थी यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी, निकाय चुनाव को लेकर चर्चा थी, उपचुनाव को लेकर, उपचुनाव हो चुका है और निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होना है, 13 मई को परिणाम आएंगे
और बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि 24 के सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश में बाजी किसने मारी है। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सब अपनी अपनी यहाँ पर ताकत बता रहे हैं, रणनीति बता रहे हैं और बता रहे हैं समीकरण हमारे पक्ष में है। फिलहाल यह फैसला कौन लेगा, वो फैसला लेगी जनता जनार्दन। कहा जाता है जनता जनार्दन ही बताती है कि हमने जनाधार किसको दिया है, और केवल कहा नहीं बल्कि स्पष्ट भी होता है। अब ईवीएम का रोना रोया जाएगा या जीत की खुशी मनाई जाएगी या फिर जो हार है उस पर मंथन किया जाएगा, सब कुछ 13 मई को होगा और 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने जनाधार किसको दिया है। जनाधार जनता देती है क्योंकि जनता सब जानती हो, कहा भी जाता ना ये पब्लिक सब जानती है अंदर क्या है और बाहर क्या है, स्थिति क्या रहेगी, परिणाम आएंगे स्पष्ट होंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है परिणाम से मत डरिए, चलते रहिए और संघर्ष करते रहिए, ट्वीट पर नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं, धरातल पर, तभी जनता जनाधार को सोचेगी, अन्यथा जो परंपरा है वो चलती रहेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।